हाय दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमने बनाई है नाना पाटेकर के ऊपर। तो आइए नाना पाटेकर का जीवन परिचय। उनका वास्तविक नाम है विश्वनाथ पाटेकर, उनका उपनाम है नाना। उनके पेशा के बारे में बात करें तो उनका पेशा है अभिनेता, लेखक और फिल्म डायरेक्टर। उनकी जन्म तिथि के बारे में बात करें तो उनकी जन्म तिथि है 1 जनवरी 1951। उनका जन्म स्थान था मरुड जंजीरा, बॉम्बे राज्य में, अब महाराष्ट्र में है। उनके माता पिता का नाम था निर्मला पाटेकर और गजानंद पाटेकर। उनके डेब्यू फिल्म के बारे में बात करें तो उनकी डेब्यू फिल्म हिंदी फिल्मों से चालू हुई थी, जिसका नाम था गमन, जो 1978 में आई थी। उनकी नेशनलिटी के बारे में बात करें तो उनकी नेशनलिटी इंडियन है। उनकी राशि के बारे में बात करें तो उनकी राशि मकर है। उनकी उम्र 2024 के अनुसार 73 इयर्स है। उनके कॉलेज शिक्षा हुई थी सर जे जे इंस्टीट्यूट ऑफ आइलैंड आर्ट्स डिप्लोमा। उनकी विवाह स्थिति है विवाहित। उनके भाई का नाम है अशोक और दिलीप पाटेकर। उनकी पत्नी का नाम है नीलकंठी पाटेकर, वो एक पूर्व बैंक अधिकारी थी। उनके बच्चों के बारे में बात करें तो द्वरवर्षा बड़े हैं, 2.5 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनके बाद एक और बच्चा हुआ मल्हार पाटेकर। उनके हॉबीज के बारे में बात करें तो उन्हें लेक्चरर बनना बहुत पसंद है। उनकी कुल संपत्ति के बारे में बात करें तो उनकी कुल संपत्ति 800 करोड़ रुपया है। के बारे में बात करें तो एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1990, परिंद सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1995, क्रांतिवीर श्रेष्ठ अभिनेता, 3 राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड 1997, अग्निसाक्षी सर्वश्रेष्ठ। नाना पाटेकर के कुछ फिल्मों के नाम ले तो फिल्मों के नाम हैं भालो, आज की आवाज़, अंकुश, आज का रॉबिन हुड, प्रतिघात, अवाम, सलाम बॉम्बे, परिंदा, दीक्षा, हम दोनों, अग्निसाक्षी, खामोशी, मुस्तफा, वजूद, शक्ति, वेलकम, द अटैक ऑफ 2611, वेलकम बैक, नत्त सम्राट, ऐसे बहुत सारे पिक्चरों में उन्हें देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी बायोग्राफी नाना पाटेकर के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।